हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर है यानी कि टैंक लारी, उसका जो नया नया लॉक आया हुआ है उसको आप लोग किस तरीके से ओपन या फिर बंद कर सकते हैं, आपको कौन से ऐप को डाउनलोड करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ A to Z कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर लाइव प्रोसेस दिखाएंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक। इससे पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और टाइप करना है क्रोमा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद सर्च करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं क्रोमा ऐप, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सिंपल सा दोस्तों यहां पे आपको अपने क्रोमा ऐप को इंस्टॉल कर लेना है यानी कि डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं अपने क्रोमा ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो चुका है। सिंपल सा इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पे आपको सभी परमिशन को अलाउ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कृति लैब्स आपको कुछ इस तरीके से यहां पे देखने को मिल जाता है। और यहां पे नीचे साइड देखेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आ जाता है, यानी कि दोस्तों यहां पे आपको अपना स्वैप कोड और यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉग इन करना होता है। दोस्तों कृति लैब्स द्वारा आपके जीमेल आईडी पे यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं स्वैप कोड का ऑप्शन है यूजर आईडी का, तो यहाँ पे आप अपना RO कोड डालेंगे यानी कि CC कोड जो आपका रहता है पंप का। उसके बाद सिंपल सा नीचे यहाँ पर देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल स्वैप कोड, दोस्तों आप अपना RO कोड यानी कि CC कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे जनरेट कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि आपके मालिक के नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को नीचे यहाँ पर देख सकते हैं इंटर कोड का ऑप्शन है, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड बना लेना है और आपका जो यूजर आईडी रहेगा, आपका RO कोड रहेगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से पासवर्ड बना के रखा है, तो सिंपल सा यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सिंपल सा लॉग इन करेंगे। जैसे लॉग इन करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पर आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आपका जिस तारीख को आपका टैंकर लोड हुआ है उस डेट को आपको सेलेक्ट करना है, आपको इनवॉइस में देख लेना है। तो सिंपल सा यहां पे जैसे कि मान लीजिए मेरा 24 दिसंबर को टैंकर लोड हुआ है, तो यहां पे 24 तारीख को सेलेक्ट करेंगे। यहां पे देख सकते हैं आपका जो टैंकर लोड हुआ है उसका इनवॉइस नंबर और गाड़ी नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैप का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे साइड यहाँ पर देखेंगे आपको दो स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको ड्राइवर और कंडक्टर की यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा। सबसे पहले ड्राइवर की फोटो क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको अपने ड्राइवर का एक फोटो क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पर का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने कंडक्टर की फोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पे अनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ताला है उसमें आपका जो वायर रहता है उसको लगाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आपने पहले से वायर लगा लिया है तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक वायर को नहीं लगाया है अपने लॉक में यानी कि ताला में, तो सिंपल सा आपको वायर को लगा लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको वायर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर लॉक के अंदर कुछ इस तरीके से आपको अपने वायर को लगाना है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने लॉक के ऊपर अपने वायर को लगा लिया है। जैसे यहाँ पर लॉक के ऊपर अपने वायर को लगाएंगे यहाँ पे बीप का साउंड आएगा। उसके बाद दोस्तों मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पे आपका गाड़ी नंबर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं गेट कोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर गेट कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। जैसे कि देख सकते हैं इंटर कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपने OTP को डाल लेना है। यहाँ पर दोस्तों OTP डालने के बाद सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट का टाइमर चलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे साइड यहाँ पर देखेंगे ओपन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉक रहेगा ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओपन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे मेरा जो टैंकर का लॉक है ओपन हो चुका है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने ताला को बंद करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका जो लॉक रहेगा यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो लॉक है यहाँ पर लॉक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो टैंकर का नीचे वाला लॉक है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाला जो लॉक है उसको ओपन करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको दोबारा से OTP भेजना होता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दो बार यहाँ पर आपको OTP भेजेंगे तभी जो है तो आप दोनों लॉक को खोल पाएंगे। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप अपने टैंकर के लॉक को दोबारा से बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ऑप्शन आपको ओपन का मिल जाता है और दूसरा यहाँ पर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप अपने टैंकर का लॉक दोबारा से बंद करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको बंद करना होगा। आपका जो प्रोसेस रहेगा सेम रहेगा। सो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से अपने BPCL का जो नया टैंकर का लॉक है उसको ओपन हुआ फिर बंद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।